हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने मोबाइल स्क्रीन पर फिश वाला लाइव वॉलपेपर कैसे सेट करें। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर मछली वाला लाइव वॉलपेपर सेट किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देख लीजिए, मेरे मोबाइल स्क्रीन में मछली घूम रहा है। तो इस तरह का लाइव वॉलपेपर आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही घंटी का आइकॉन आएगा उसको भी दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर फिश वाला लाइव वॉलपेपर कैसे सेट करें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है फिश लाइव वॉलपेपर 2018। तो आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना होगा, मैंने पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो जब इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको ओपन करना होगा। तो जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेट वॉलपेपर का, तो आप सेट वॉलपेपर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऐड आएगा तो ऐड को हटा देना है, और उसके बाद आप यहाँ लाइव वॉलपेपर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद इस ऐप के आइकॉन पर आप क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसको सेट करना चाहे तो कर सकते हैं, या अगर जो आप इसमें कुछ सेटिंग करना चाहे तो आपको यहां सेटिंग का आइकॉन मिल जाता है। तो आप यहां सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करके बहुत सारा सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड वाला इमेज आपको बदलना है तो यहां पर आपको बहुत सारा बैकग्राउंड इमेज देखने को मिल जाता है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। और भी यहां पर कई सेटिंग है, जैसे फिश ऑन स्क्रीन, मतलब आपके स्क्रीन पर कितना फिश आना चाहिए, 5-6 वो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 7-8 जितना आपको रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एनालॉग क्लॉक आप शो इसको कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं घड़ी को। यहां से क्लॉक टाइप आप किस तरह का क्लॉक रखना चाहते हैं, डिजिटल या एनालॉग, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्लॉक का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, कितना बड़ा आपका घड़ी रहना चाहिए। और भी यहाँ पर टच इफेक्ट को चालू कर सकते हैं, रैन इफेक्ट, वाटर ड्रो, लेवल, फिश कोड। तो यहाँ पर आपको कई सेटिंग मिल जाता है, तो आप चाहे तो ये सब सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद कर लिए तो आप यहाँ बैक हो जाइए, और उसका सेट करना चाहे तो आप यहाँ सेट वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और उसका लाइव वॉलपेपर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इस ऐप के आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो वो लाइव वॉलपेपर आपके मोबाइल स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अब मेरा सेट हो गया, पहले दूसरा था, अब दूसरा सेट हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर मछली वाला लाइव वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।